देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो सीधे आपको जोड़ती हैं हमसे, खबरों की वही तस्वीर बिना बदले बिना डरे। सब्सक्राइब करें न्यूज हेल्पलाइन को और दबाएं बेल आइकन। तृतीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नेशनल डेडिकेशन अवार्ड 2022 दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज के सभागार में सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री शंकरानंद जी थे। अन्य अतिथि में शामिल श्री ऋषि भटनागर, प्रोफेसर रमा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और श्री महेश्वरी थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री शंकरानंद ने गीता को उदाहरण देते हुए कार्य क्षमता को तीव्र बनाने पर जोर दिया, जबकि कार्य को उत्कृष्टता की सीमा तक ले जाने की कोशिश अग्रसर कार्य में बाधा उत्पन्न करती है। उन्होंने कहा कि कलाम साहब के आदर्शों पर चलने से जीवन में प्रगति की राह अग्रसर हो जाती है। अवार्ड लेने वालों में कॉलेज के मुख्यतः प्रोफेसर बलराम पानी को एडमिनिस्ट्रेटर कैटेगरी के रूप में सम्मानित किया गया। इसी तरह कई और लोगों को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। प्रोफेसर प्रत्युष वत्सला को हायर एजुकेशन कैटेगरी, श्वेता सिंह को खेल कैटेगरी, NGO कैटेगरी में राजेश गुप्ता, सोशल वर्क कैटेगरी तथा अन्य विजेताओं को अवार्ड के माध्यम से अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम आयोजकों में शामिल डॉक्टर रुपेश, डॉक्टर आलोक, सीमा, सुनीता, सुधा, अनिल, विकास, पवन त्यागी व अन्य कई लोग शामिल थे। डॉक्टर मुकेश अग्रवाल ने सभी लोगों के कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी मेहमानों का धन्यवाद दिया। दिल्ली से पवन कुमार जुनेजा की रिपोर्ट। मैं प्रोफेसर रमा, प्रिंसिपल हंसराज कॉलेज, आज आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैम, आज आपके कॉलेज में प्रोग्राम आयोजित किया गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की याद में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से APJ अब्दुल कलाम साहब प्रेरणा है युवाओं के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि आज हंसराज कॉलेज में एक अवार्ड सेरेमनी रखी गई, जिसमें अवार्ड जो दिए गए वो आदरणीय APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पर दिए गए। अब्दुल कलाम जी इस राष्ट्र के राष्ट्रपति थे और कहते थे कि यदि मैं राष्ट्रपति ना होता तो मैं शिक्षक बनना चाहता। मुझे लगता है कि अब्दुल कलाम जी हम सब के शिक्षक थे, हम सब के आदरणीय थे। उन्होंने त्याग, समर्पण और अच्छी राजनीति का जो उदाहरण प्रस्तुत किया वह बहुत कम देखने को मिलता है। आज जो यहाँ लोग आए हैं जिनको अवार्ड दिया गया है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज जिनको अवार्ड मिला है, सबसे पहले हम उनको बधाई देते हैं। बधाई के बाद इस अवार्ड लेने के पश्चात उनका दायित्व और अधिक बढ़ जाता है कि जिस फील्ड में उन्होंने काम किया उसके लिए समाज में उनको APJ अब्दुल कलाम जी के नाम के माध्यम से उनको सम्मानित किया गया है। तो मुझे लगता है कि सम्मान की रक्षा करते हुए, दायित्व को पहले से अधिक गंभीरतापूर्वक निभाते हुए निरंतर समाज और राष्ट्र के लिए काम करने का समय है। और अगर ये अवार्ड विनर्स आज ठान लें कि हम भारत को विश्वगुरु बनाएंगे, तो मुझे लगता है इस अवार्ड सेरेमनी के बाद भारत का विश्वगुरु बनने के लिए एक कदम और आगे बढ़ा है। मैसेल्फ प्रदोष स्वाई बिलोंग टू ओडिशा, बट लास्ट 16 ईयर्स हो गया मैं दिल्ली में ही स्टे करके इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्ट का ऊपर काम कर रहा हूँ, उस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरे लिए एक चैलेंज था कि मैं वो एक स्टेट से आके दूसरा स्टेट में सर्वाइव करना एक चैलेंज था। बट एक जैसे अब्दुल कलाम सर का जो है कि हार्डवर्क ही इसका सबसे सक्सेसफुल होता है सब चीज़ में, तो मैं बहुत हार्डवर्क किया था जब मैंने इधर आया। एंड अभी एक रिसेंट में कर रहा हूँ, एक न्यू सीरीज ऑफ वार कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे इसका बारे में ये किया है। तो मैं आज आपको जो अवार्ड मिला है किस लिए मिला है, साथ ही जो आर्ट क्या कहना चाहेंगे संस्था के लिए? संस्था के लिए तो वही ना, ये एक शाबाशी है, एक अचीवमेंट है, क्योंकि इस पैंडेमिक टाइम पे जो आर्टिस्ट लोग, क्रिएटिव लोग सारा स्टे करके एक जगह में रहते थे, तो ये अवार्ड एक जरिए में एक इंडायरेक्टली एक बूस्ट मिल गया, एक आर्टिस्ट लोग को एक शाबाशी मिल गया इसमें, और थोड़ा सा कुछ साल के लिए आर्टिस्ट को एक प्रायोरिटी मिलेगा। बहुत बहुत थैंक यू उन लोग ऑर्गेनाइजर को। आई एम सुजीत पानीग्रे, आई एम द CEO फॉर फिटनेस 365। सर, आज आपको अवार्ड दिया गया है, किस कैटेगरी के लिए मिला है और क्या क्या आपके काम रहे हैं अभी तक समाज में? मेरा जो आज अवार्ड था वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए था, नेशनल डेडिकेशन अवार्ड जो था। तो और ये जो है, मैंने जो काम किया, मैं 2010 में स्टार्ट किया था फिटनेस 365 कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद, पिछले 12 साल में जो है। तो बेसिकली अभी हम इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फिटनेस असेसमेंट कंपनी है, 7.7 मिलियन बच्चों का फिटनेस असेसमेंट किया हुआ है और 2.1 लाख टीचर्स को हमने, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, स्पोर्ट्स कोचेज को हमने ट्रेन किया है। तो हमने खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट प्रोग्राम जो इंडिया में रन हो रहा है, फिट इंडिया पोर्टल और फिट इंडिया ऐप,
उसको किया हुआ है, और केंद्रीय विद्यालय को स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत प्रोग्राम, ये तीनों प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं उसमें। अपार्ट फ्रॉम दैट हम बाकी स्कूल्स में फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स को रन करते हैं। क्या कहना चाहेंगे संस्था के बारे में जिन्होंने आज आपको अवार्ड दिया? आई एम वेरी थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने ये किया। सो एक्चुअली ये जो सोच है, मैं जो देख रहा था, खाली हमारे मेरे अवार्ड नहीं, मैं बाकी सारे अवार्ड का देख रहा था, जो NGO वाला कैटेगरी था, जिसमें कोविड वाला कैटेगरी था, वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कैटेगरी था, ये सारे अच्छे अच्छे कैटेगरीज हैं जिसमें, और ये जो है लोगों को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है जो लोग काम कर रहे हैं, स्पेशली लास्ट 2-3 साल में जो डिफ़िकल्ट टाइम्स में जितने लोग काम कर रहे हैं सबको आपने काफ़ी मोटिवेट किया एज ऑर्गेनाइजर्स कि इस सारे अलग अलग एरियाज़ में, एंड ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर जितना आप मोटिवेट करते हैं वो फिर आगे जाके और भी लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी हो, एम्प्लॉयमेंट हो, या जस्ट रीचिंग आउट टू पुअर पीपल और जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पूरी सोसाइटी में, इन सब के लिए। तो आई थिंक चॉइस ऑफ अवार्ड बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें। यूनिवर्सिटी का जो मेन कोर एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप है उसमें डीन ऑफ कॉलेजेस एक हैं जिसके पास मतलब कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में जितना ही कॉलेजेस हैं, कॉलेज का सारी एक्टिविटीज़ मतलब कॉलेज का A to Z सारी एक्टिविटीज़ वो डीन ऑफ कॉलेजेस के पास रहता है। मतलब इसमें जैसे कि सबसे मेन मुद्दा है रिक्रूटमेंट हुआ, प्रमोशन हुआ, पेंशन हुआ, ये सारी काम इसके पास, मतलब किसी भी एम्प्लॉय का मतलब चाहे टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो, इसका रिक्रूटमेंट, प्रमोशन एंड पेंशन, ये तीन सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। तो ये सारी कॉलेज जितना कॉलेज आप देख रहे हो, इट इज़ 90 कॉलेजेस अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो सारी की सारी कॉलेज को काम डीन ऑफ कॉलेजेस देखते हैं। ओके, तो आप अभी आज अवॉर्डी के तौर पे सिलेक्ट किए गए किस कैटेगरी में? और ये जो कैटेगरी है ये प्रमोशन हुआ है, अभी करीब 10-15 साल तक सारी प्रोफेसर का ये था कि स्टैग्नेशन आ गया, शायद हमने बिना प्रमोशन से रिटायर कर जाएं, कुछ किए भी है, मतलब कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं जो कि रिटायर कर गए, और जब से ये दिल्ली यूनिवर्सिटी द टाइम ऑफ इंसेप्शन तब से ये प्रोफेसरशिप था ही नहीं, मतलब कि 98 में एक प्रोफेसर हुआ था, एक प्रोफेसर के बाद फिर एक प्रोसेस रुक दिया गया, लेकिन उसके बाद प्रोफेसरशिप किसी भी कॉलेज में था ही नहीं। तो हमारा डीन बनने का बाद यूनिवर्सिटी का जो पॉलिसी है उसको कैरी फॉरवर्ड किया, बस वही पॉलिसी था पहले भी, लेकिन इसी पॉलिसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। सर, APJ अब्दुल कलाम युवाओं के लिए प्रेरणा है, तो आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आप हज़ारों बच्चों को अब हर साल ट्रेन करते हैं, सिखाते हैं, डिग्री देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो है आप युवा है, कोई भी है, युवा हो या बच्चा हो या कोई भी हो, हम इस सबसे पहले हम ऐसा कोई भी काम ना करें जो देश की हित में ना हो, ये काम हम नहीं करें। दूसरा, और युवा हो तो आपका थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और हमेशा पॉजिटिव जो इनपुट दोगे तो पॉजिटिव आउटपुट निकलेगा, और हमेशा आप पॉजिटिव माइंडसेट लेके चले तो आप देखो दुनिया बड़ा सुंदर है, आप भी सुंदर है, सारी सुंदर दुनिया रहेगा, पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा। तो यहाँ वैश्य शिक्षक संघ और एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके माध्यम से और भी दो संस्थाओं के माध्यम से ऐसे पुरस्कार दिया जा रहा है जी। ये इसीलिए महत्वपूर्ण है कि परफेक्शन और परफॉर्मेंस दोनों होना चाहिए। कुछ लोग परफेक्ट होते हैं, परफॉर्मेंस नहीं दिखाते, परफॉर्मेंस करते हैं लेकिन परफेक्शन नहीं होते। ऐसे परफेक्शन और परफॉर्मेंस दोनों को देखते हुए ऐसे पुरस्कार दिया जा रहा है। ऐसे कोरोना में बहुत संकट के समय में भी शिक्षा क्षेत्र में और प्रशासन के क्षेत्र में ऐसे बहुत अच्छा काम किया है, कुछ परफॉर्मेंस करके दिखाए हैं, ऐसे मनीषियों को सम्मान करने का, पुरस्कार देने का ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण ये उपक्रम है ऐसा मुझे लगता है। आप जो संस्था चलाते हैं उस संस्था का क्या उद्देश्य है और वो इनके साथ किस तरीके से जुड़ी है? भारतीय शिक्षण मंडल शिक्षा के उद्देश्य, नीति, पाठ्यक्रम और पद्धति, इनमें भारतीयता लाने का प्रयास पिछले 50 वर्षों से कर रहा है।
ऐसे शिक्षा में भारतीयता लाना यानी यही है परफेक्शन और परफॉर्मेंस, इन दोनों को बढ़ावा देना चाहिए। अच्छा काम भी होना चाहिए, परफेक्शन की ओर भी हम बढ़ना चाहिए, यही भारतीयता का लक्षण है। तो शिक्षा में आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं या कुछ सुधार होना चाहिए, क्या सुझाव आप लोग देते हैं क्या? यही हाँ, सरकार के साथ बातचीत होते हुए पिछले 50 वर्षों से जो देश के शिक्षाविद हैं और शिक्षा से जुड़े हुए कई सारे मनीषियाँ हैं, उनके साथ चर्चा संगोष्ठियाँ करते हुए हमने जो प्रारूप बनाया था शिक्षा को लेकर, अपनी शिक्षा नीति कैसी हो इसको देखते हुए हमने जो बनाया था, इसके आधार पर हमने कई सारे सुझाव दी। अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वीकार हुई है उसमें भारतीय शिक्षण मंडल का भी योगदान अहम है, अहम भूमिका हमने निभाया है। ऐसे कई सारे संगठन, कई सारे संस्थाएं इसमें सुझाव देकर ये अच्छा एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया, उसका अभी केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने स्वीकार करके अभी उसका इम्प्लीमेंटेशन में सभी लोग काम कर रहे हैं, इसमें भारतीय शिक्षण मंडल का भी अहम भूमिका है। युवाओं के लिए श्रद्धानंद जी क्या संदेश है आज के दौर में, जिस तरीके से युवा मोबाइल की तरफ ज़्यादा है, शिक्षा और किताबों की तरफ कम? युवाओं में ऊर्जा है, ऊर्जा होने के कारण वो कुछ ना कुछ करना ही चाहते हैं, वो ऊर्जा का उपयोग होना चाहिए। यदि आप राष्ट्रीयता का, देशभक्ति भावना का जो खिंचाव वहाँ अट्रैक्शन आप देते हैं तो वो देशभक्ति की ओर चले जाते हैं। ऐसा एक इकोसिस्टम हमको बनाना चाहिए, यानी भोग और त्याग दोनों उनके अंदर विद्यमान होते हैं। यदि त्याग की ओर आकर्षण बढ़ता है तो निश्चित रूप से वो बहुत देश के विकास में कामयाबी हो जाएंगे। दोनों को आकर्षण हर मनुष्य में रहता है, भोग और त्याग। इसमें जिस तरफ जिस प्रकार का इकोसिस्टम होता है, भोग का इकोसिस्टम है तो उस तरफ वो खींचा जाते हैं, और यदि त्याग का इकोसिस्टम है तो निश्चित रूप से उस तरफ वो चले जाते हैं। जितना भोग का आकर्षण है उतना ही प्रबल आकर्षण त्याग का भी है, इसीलिए ऐसे महाविद्यालयों में शिक्षा क्षेत्र में त्याग का आकर्षण बढ़ाते हुए उस प्रकार का इकोसिस्टम हम बनाते हुए निश्चित रूप से युवाओं को देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण के कार्य में उनको हम सफलतापूर्वक जोड़ सकते हैं, ऐसा हो रहा है।